इस वक्त हम जसैया में मौजूद हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ और पूरे प्रदेश के सरपंच हैं आज एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली जो शुरुआत की गई है उसको लेकर, जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली उनको लेकर, सरकार को लेकर पूरी तरीके से लामबंद हो गए हैं। ये पूरा मंच है जहाँ से लगातार संबोधन है दिया जा रहा है। और मेरे दूसरी तरफ आप देखिए, ये पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनको पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है चोर कह के बुलाते हैं। ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी गांव देहात की जो एक पंचायत व्यवस्था है उसको अभी तक संभाल के आए हुए हैं। ये वो प्रतिनिधि हैं जो अपने गांव के विकास के काम है वो चाहते हैं कि हमारे हाथ में हो, क्योंकि जो गांव के भोले भाले ग्रामीण हैं वो इन्हीं लोगों से अटैच है। अब गांव के भोले भाले ग्रामीण किसी सरकारी बाबुओं से आखिरकार कैसे मेल मिलाप करेंगे, सत्ता से है वो कैसे मेल मिलाप करेंगे, जबकि जो प्रधान होते हैं गाँव का एक साधारण आम आदमी है वो सुबह खड़े होते ही अपने प्रधान के पास जा सकता है, वो कह सकता है अपनी बातें कि प्रधान जी हमें ये समस्या है, हमारी इस गली का निर्माण कराइए, प्रधान जी शिक्षा की व्यवस्था ठीक कीजिए, ये तमाम अहम सवाल खड़े होते हैं। और अगर आप बाहर का माहौल यहाँ से देखेंगे जसैया से जाके, वाटर कैनन है उसकी गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, लठ लेके अत्यधिक मात्रा में भारी पुलिस तैनात है। अब ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या किसी सरकार की खुद की सरकार की रैली में क्या आपको वाटर कैनन दिखेंगी, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का भेदभाव है, वो कैसे किया जाए आखिरकार। चलिए मैं घूम के पूरा दिखाता हूँ आपको कि कितना व्यापक है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर तमाम जो रागनी कलाकार हैं उनका किया गया है। जी 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 भाई साहब मैं कर लूँगा सारा। यहाँ पर तमाम रागनी कलाकार हैं और अक्सर देखने को मिलता है हरियाणा की संस्कृति है, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो रागनी है वो की जाती है। संजय भाई ये तमाम महिला सरपंच भी महिला प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और नितिन बाड़क भाई बड़ा विहंगम नजारा है जसैया सर छोटू राम धाम पे आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। और बेहद गुस्सा है जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली उनको लेकर कि आखिरकार वो चोर कहते हैं उन्हें, जबकि सरपंच एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जिसमें गांव देहात की अपनी एक प्रणाली है जिसमें अपनी स्वयं की मर्जी से एक वोटिंग के आधार पर सरपंचों को चुना जाता है। लेकिन दो साल के बाद है सरकार ने चुनाव कराए थे, वैसे भी गांव देहात के काम हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़े थे। अब हरियाणा प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी जैसे तैसे है भैया चुनाव हो गए हैं, उसके बाद सरपंच जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके पास अपनी दिक्कतें लेके जाएंगे। लेकिन शायद इस चीज़ का किसी को भी ख्याल नहीं था कि खुद जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही दिक्कत में आ जाएंगे। कई मांगे इनकी जायज़ हैं, ये देखिए 2 लाख रुपये, ये जो सरकारी अधिकारी है ना शायद या तो हरियाणा प्रदेश को समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। अब 2 लाख रुपये में एक सरपंच है वो क्या करेगा, देखिए काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं सरपंच को, लगातार पंचायतों में जाना है, अन्य कोई दिक्कत है वो सारा, और मैं सारा आपको दिखाने की है यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से है ये आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कनीना से। ये कनीना से हैं जो सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदेश के हर कोने कोने से हर हिस्से से है, लगातार आपको है यहाँ पर दिख जाएंगे। बेहद रोष गुस्सा देवेंद्र बबली हैं उनके खिलाफ है वो निकल कर सामने आ रहा है। और एक बड़ा सवालिया निशान इन चीज़ों को लेकर खड़ा होता है, क्या केवल वो इकलौते अधिकारी ही क्या मतलब राइट हैं, क्या पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली इकलौते ही जो फैसला उन्होंने कर दिया वो राइट है? देखिए तुगलकी फरमान किसे कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती, एक फरमान जो आपने जारी कर दिया उस पर पूरी तरीके से अड़िग रहना है, इसको कहा जाता है तुगलकी फरमान। जबकि लोकतंत्र प्रक्रिया में क्या होता है, अगर कोई कानून अगर कोई चीज़ आपने लागू कर दी है अगर जनता उसको एकजुट है तो कम से कम आप रिव्यू तो कीजिए, कम से कम उस चीज़ को आप सोचिए, तो कम से कम दोबारा एक बार रिवीजन के लिए तो उस लॉ को है आप डाल सकते हैं। और देखिए ऊपर बिल्कुल छतों तक हैं जितने भी सरपंच है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जसैया धाम में लगातार एकजुट हो गए हैं सरपंच और बेहद गुस्सा है जो प्रतिनिधि हैं उनमें वो देखने को मिल रहा है। और बाहर तक बिल्कुल आपको लेकर चलते हैं कि लगातार भारी भीड़ भारी हुजूम है वो सरपंचों का यहाँ पर उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मंच से लगातार है वो कहा जा रहा है और आप चारों तरफ का नज़ारा है वो देखते रहिए। और
जिन भी प्रधान हैं जो हरियाणा के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, और जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, खुद उनके जो खंड है उनका, जहाँ से जिस सीट से वो विधायक है वहाँ से भी प्रतिनिधि है, वो आए हुए हैं और लगातार है वो भीड़ है जसैया में बढ़ती ही जा रही है। लगातार है वो लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। चलिए बात कराने की भी कोशिश करेंगे। और ये देखिए किस तरीके से ही टेंडरिंग बंद करो, बड़े बड़े जत्थे हैं जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर लेकर आते हुए जा रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र का दल है और देखिए बिल्कुल बिल्कुल कितनी नाराजगी है आप शायद है वो सुन पाएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है उनके नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, और भारी भारी जत्थे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग, देखिए ये लिखा हुआ है कि राइट टू रिकॉल वापस लो, ये लिखा हुआ है। तमाम बैनर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि। ये थोड़ा सा जहाँ से टेंट लगा हुआ है उससे बाहर हैं हम, इस वक्त है वो आ चुके हैं और लगातार आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के।